नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु। नमीटर दूरसन वीडियो जिसमें सिंध नदी का एक छोटा सा रुद्र रूप एक बार फिर सामने आया है। इस बार बरसात के सीजन का ये सिंध नदी में आया तेज बहाव का पहला रूप है। देखिए हमारे को नदी के तट पर, जैसे कि आपको बता दूं भुवनेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है उसी के नजदीक निकली सिंध नदी के तट पर अभी हम इस समय मौजूद हैं, जहां मेरे सामने पीछे सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिंध नदी को बाढ़ पर पूरी तरह से चल रही है। और लेकिन आपको बता दें कि सिंध नदी इतना विकराल रूप धारण कर रही है कि जो सिंध नदी के नजदीक लोग रह रहे हैं उनको भी तबाह कर सकती है। मेरे साथ ध्रुव शर्मा जी जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि अभी ड्यूटी पर तैनात हो और पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ आदेश जारी किया है अभी और जल स्तर भी बढ़ने को है, क्या कुछ कहोगे? हाँ, जैसा कि मैं पहले ये बता दूँ, आज जो भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर 5.5 लाख ज्योतिर्लिंग की स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया है वो कार्यक्रम चल रहा है। और जो सिंध नदी के किनारे पर ये मंदिर स्थित है यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं, वो पहले स्नान करते हैं उसके बाद मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और वहाँ से मोहनी सागर बांध है बड़ी गिड़ा डैम है, वहाँ से कई गेट खोल दिए गए जिससे नदी में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, और मैं जब सुबह या 7 बजे आया था और तब से अभी तक काफ़ी जल स्तर बढ़ गया है। और यहाँ की सुरक्षा के लिए मैं जो नदी के किनारे में लगा हुआ हूँ उसके साथ लगा हुआ हूँ और यहाँ पर जो तैराकी टीम है वो भी लगी हुई है। और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो अलर्ट भी जारी किया गया है कि आसपास के लोग हैं वो अपने जो नदी किनारे जो रहने वाले हैं अपने पशु हैं या अपने संपत्ति हैं सुरक्षित रखने के लिए जल स्तर अभी बढ़ेगा जैसा कि अभी मालूम पड़ रहा है। अभी नई नई सूचना मिल रही है तो वहाँ पर दो डैम उसके दो गेट और खुल दिए गए हैं तो उस हिसाब से जो जल स्तर अभी बढ़ेगा और जनता को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि जल स्तर बढ़ेगा तो किस तरीके से हम सुरक्षा कर सकते हैं। शासन प्रशासन भी अलर्ट है इसके लिए। और ये थे चिनोर के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा जी जो कि अभी ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्होंने बताया है कि सिंध नदी के तट के किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं वो आगे भी उनके जैसे पहाड़ी इलाकों में जाकर अपना बसेरा कर सकते हैं। साथ में मेरे साथ और भी स्थानीय लोग जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं कि सिंध नदी के किनारे कुछ लोग रह रहे हैं और उनको क्या और आगे ये संदेश देना चाहते हैं। जी, मैं जय महादेव की सबसे पहले आज जो महाराज जी के द्वारा 2.25 लाख सिंधिंग का जो लक्ष्य रखा गया है उसके मतलब श्रद्धालु काफ़ी संख्या में बना रहे हैं और आज जो सिंध नदी का अलग ही दृश्य है, यहाँ जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है।